गंगोत्री स्कूल मंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी, उसमें पार्ट 2 हमारा परिवार, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। यह मेरा परिवार है। यह ले आ मेरा ले मारो परिवार ले हमारा
पिता और दादा दादी रहते हैं। हमारा घर में मेरी बहन, माता पिता और दादा दादी रहे छे। और मेरे दादा दादी मम्मी सुबह सबसे पहले उठते हैं। मारा दादा दादी अने मम्मी सवारे बधानी पहला उठे छे। मम्मी सबके लिए चाय नाश्ते बनाती है। मम्मी बधा माटे चा नाश्तो बनावे छे। पापा सुबह दफ्तर जाते हैं। पापा सवारे ऑफिसे जाय छे। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। हूँ पांचवा धोरण में भणू छू। मेरी बहन सातवी कक्षा में पढ़ती है। मारी बहन सातवा धोरण में भणे छे। हम दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं। हमें बने साथे स्कूले जाइए छे। शाम को हम बाग में खेलते हैं। सांजे हमें बगीचा में रमिए छे। दादा दादी रोज हमें कहानी सुनाते हैं। दादा दादी रोज हमने वार्ता संभलावे छे। मेरा परिवार बहुत प्यारा है। मारो परिवार खूबज प्यारो लेके वालो छे। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न देखते हैं। घर में कौन कौन रहते हैं? घर में मेरी बहन, माता पिता और दादा दादी रहते हैं। घर में मैं, मेरी बहन, माता पिता और दादा दादी रहते हैं। घर कैसा होना चाहिए? घर साफ सुथरा एवं हवादार होना चाहिए। घर साफ सुथरा एवं हवादार होना चाहिए। बच्चों को कहानी कौन सुनाते हैं? बच्चों को कहानी दादा दादी सुनाते हैं। बच्चों को कहानी दादा दादी सुनाते हैं। दादा दादी रोज सुबह कहाँ जाते हैं? दादा दादी रोज सुबह टहलने जाते हैं। दादा दादी रोज सुबह टहलने जाते हैं। अब खाली जगह भरिए। मैं खाली जगह कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी बहन खाली जगह कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन सातवीं कक्षा में पढ़ती है। मेरे पापा सुबह खाली जगह जाते हैं। मेरे पापा सुबह दफ्तर जाते हैं।
शाम को हम खाली जगह में खेलते हैं। शाम को हम बाग में खेलते हैं। अब वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करें। पहला, हमारा देश का नाम भारत है। अपना देश नाम भारत छे। हम सब मिलकर रहते हैं। हमें बता मरीने रहिए छिए। दादी रात को कहानी सुनाती है। दादी रात्रे वार्ता संभळावे छे। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आपने मोटाओं ने मान आपूं चाहिए। फिर से हम प्रश्न देखते हैं। घर में कौन कौन रहते हैं? घर में कौन कौन रहे छे? घर में मैं, मेरी बहन, माता पिता और दादा दादी रहते हैं। घर में हूँ, मारी बहन, माता पिता अने दादा दादी रहे छे। घर कैसा होना चाहिए? घर केवू होवू चाहिए? घर साफ सुथरा एवं हवादार होना चाहिए। घर स्वच्छ अने हवादार એટલે કે હવાવાળું હોવું જોઈએ। બચ્ચો કો કહાની કોણ સુનાતે હે? બાળકોને વાર્તા કોણ સંભળાવે છે? બચ્ચો કો કહાની દાદા દાદી સુનાતે હે? બાળકોને વાર્તા દાદા દાદી સંભળાવે છે। દાદા દાદી રોજ સુબહ કહાં જાતે હે? દાદા દાદી રોજ સવારે ક્યાં જાય છે? દાદા દાદી રોજ સુબહ ટહેલને જાતે હે? દાદા દાદી રોજ સવારે ચાલવા જાય છે। ખાલી જગ્યા, મેં પાંચમી કક્ષામાં પડતા હું। મેરી બહેન સાતમી કક્ષામાં પડતી હે। મેરે પાપા સુબહ દફતર જાતે હે। શામ કો હમ બાગ મેં ખેલતે હે। वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करें। हमारा देश का नाम भारत है। अपना देश का नाम भारत छे। हम सब मिलकर रहते हैं। हमें बता मरीने रहिए छिए। दादी रात को कहानी सुनाती है। दादी रात्रे वार्ता संभळावे छे। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आपने मोटाओं ने मान आपको चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ के प्रश्न, खाली जगह और वाक्यों को गुजराती में अनुवाद करें, ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसा ही दूसरा पाठ लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।